किस तरह का माहौल है, कितना उत्साह है, क्या करेंगे? हमने सुबह ये सवाल पूछा था, माहौल था, मैंने कहा था एक खुशी भी है और मन में एक भय भी है, वो भय हट गया, खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल जनता के लिए, जनता के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, नतमस्तक हूँ उनके सामने और आश्वस्त करना चाहता हूँ हम लोग दिन रात उनका काम करेंगे, उनकी जिससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन लाने की दिशा में काम करेंगे। प्राथमिकता एक ही है कि सब लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आए, किसी तरह से उनके जीवन में कुछ अच्छा बना है, बस ये एक प्राथमिकता है, इसके काम करेंगे। सहारनपुर में कोई कमियां नहीं है, सहारनपुर को विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, उसके तहत काम करते हैं, सहारनपुर में बहुत विकास हुआ है और उसी दिशा में हम आगे काम करते हैं। मंत्री जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, अब तो क्या कहेंगे और कितना विकास होगा सहारनपुर में? मैं नगर सहारनपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड जीत दिलाई। क्या कहेंगे जो विकास कार्य रुके हुए थे और स्मार्ट विकास कार्य रुके नहीं थे, पेंडिंग जो थोड़ा सा शहर खुला, सिविल लाइने डलेंगी, नाली बनेंगी उसके लिए, और दो महीने के अंदर पूरा शहर चकाचक चल गया। क्या कहेंगे अब? ये मोदी और योगी की विकास की यात्रा है जो सहारनपुर में भी बह रही थी और सहारनपुर में बहती रहेगी। आज लोगों ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, डॉक्टर अजय सिंह पे, हमारे पूरे संगठन पर। मैं जनता का बहुत आशीर्वाद उनसे लेना चाहूंगा और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। होली खेल ली? बिल्कुल, होली का दिन है आज, 17 की 17 नगर निगम हम जीत रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। 2024 पर किस तरह का प्रभाव? 2024 भी जीतेंगे और आएंगे तो मोदी ही। इस बार क्या प्राथमिकता सहारनपुर की? सहारनपुर का विकास मेरी प्राथमिकता है, सहारनपुर की सेवा मेरी प्राथमिकता है। सहारनपुर के लोगों को कभी आभास नहीं होगा कि उनका विधायक उनसे दूर है, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उनके साथ हूँ, उनके बीच रहूंगा। जनता को ट्रिपल इंजन बनाने के लिए कहा था, जनता ने बना दिया, अब कैसे सहारनपुर को स्मार्ट बनाएं? सहारनपुर की स्मार्ट सिटी की योजना जो चल रही थी वो बाजोस्तूर चलती रही, इसके अलावा मैं सरकार है, सरकार से विकास के लिए जितनी राशि सहारनपुर के लिए ली जा सकती है ज्यादा से ज्यादा राशि लाऊंगा और सहारनपुर का विकास कराऊंगा। देखिए सीधे सीधे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो विकास की नीतियां हैं प्रदेश के लिए, देश के लिए, ये उस पर एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है जनता का, और हम जनता के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया जीत हमें दी है। बहुत मिलेगा जी, जो जो कुछ अधूरा पड़ा है उसको कंप्लीट करेंगे और कुछ नया सोचेंगे। हमारे डॉक्टर साहब बहुत शिक्षित हैं, बहुत होनहार हैं और निश्चित रूप से वो शहर को पटरी पर लाने का काम करेंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत से उत्साह का माहौल है, पहले दिन से ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 5 साल मेहनत करती है, भारतीय जनता पार्टी एक दिन में चुनाव में नहीं जाती, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी एक दिन में चुनाव में नहीं जाते, वो पूरे 5 साल चुनाव के मोड में रहते हैं और विकास करते हैं, उसी विकास के मॉडल को सहारनपुर में भी माहौल लगी है। योगी जी का जो 6 साल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कानून व्यवस्था में और विकास कार्य में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तमाम चीजें जो वर्कर के सामने, उस पर माहौल लगने का काम हुआ, इसलिए सामान्य उत्साह है। सबको मालूम था कि भाई योगी जी निश्चित रूप से 24 का ये ट्रेलर मान रहे थे लोग, तो ट्रेलर देख लें कि सारी 17 की 17 सीटें हम जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मेयर। क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस बार फिर से कमल खिला है? एजेंडा विकास का रहेगा, एजेंडा सुरक्षा का रहेगा, एजेंडा महिलाओं को आगे बढ़ाने का रहेगा, एजेंडा नौजवानों को रोजगार देने का रहेगा, जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का रहेगा, यही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, यही आगे जारी रहेगा। जीत दर्ज का माहौल है, ये तो पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले से भी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा हुई थी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से उसमें जनसैलाब उमड़ा था, उसके बाद चुनाव से ठीक 2 दिन पहले एक रोड शो हुआ था जिसमें वातावरण पूरी तरह से भगवामय हो गया था, पूरा जो है, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी लोग उस रोड शो में मौजूद थे और उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय हासिल करने जा रही है जो आज हमें प्राप्त हुई है। डॉक्टर अजय ने कहा था कि करीब 1 लाख से जीतेंगे, 8,000 कुछ वोटों से जीत दर्ज हुई। देखिए उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखिए इस बार की जीत हमारी पिछली बार की जीत से बड़ी जीत है, वोटों का प्रतिशत और वोटों की संख्या पिछली बार से कहीं ज्यादा हमें इस बार मिली है। इस बार क्या कुछ एजेंडा रहेगा बीजेपी? एजेंडा हमारा क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम करती है, चुनाव में वही एजेंडा था, उसी एजेंडे पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जो विकास कार्य चल रहे हैं महानगर में उनको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और महानगर का
विकास किया जाएगा। क्या कुछ विकास अभी भी अधूरे हैं सहारनपुर में? ठीक है, कोई भी जब कार्य होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको पूरा होने में समय लगता है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर महानगर में काम चल रहा है पहले से, अब उनको पूरा करने की दिशा में और आगे तेजी से बढ़ा जाएगा। जल्दी ही लगभग 6 महीने से 1 साल के अंदर जो पिछले प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वो सभी आपको पूरे हुए हुए धरातल पर दिखाई देंगे।